दोस्तों, अगर आप बालों के झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आप आज की वीडियो को पूरा देखें। और इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज यानी मधुमेह की प्रॉब्लम है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो इन दो बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी। यानी आपके बालों का झड़ना एक महीने के अंदर रुक जाएगा, और अगर आपको डायबिटीज है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज को वैसे तो लाइलाज कहा जाता है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म होगी, क्योंकि वो आयुर्वेदिक इलाज है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वो चीज जिससे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं और डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, वो चीज आपके घर में ही है, वो है प्याज यानी अनियन। प्याज हर घर में है, प्याज का इस्तेमाल भी हम करते हैं, लेकिन प्याज को इस्तेमाल हम सही ढंग से नहीं करते, जिस कारण से हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। दरअसल प्याज एक ऐसी चीज है जिसे अगर आग पर पकाया जाता है तो इसके सारे पौष्टिक तत्व मर जाते हैं, और हम हमेशा प्याज को पकाकर ही खाते हैं, इसका तड़का लगाकर खाते हैं, जिस कारण से हम प्याज का एग्जैक्ट फायदा ले ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप प्याज को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप प्याज के सारे फायदे ले सकते हैं, और डायबिटीज के अलावा आप कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो प्याज को इस्तेमाल किस तरह से करें, प्याज को हमेशा कच्चा खाएं। अगर आप प्याज को पकाते हैं तो सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्याज को कच्चा खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में सारे विटामिन्स और मिनरल्स देता है, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ होती है। मैं कच्चा खाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी कच्चा खाने के लिए ही बनी है। इस धरती पर हजारों लाखों तरह की प्रजातियां हैं, हजारों लाखों जीव हैं, लेकिन क्या आपने किसी को चीजों को पकाकर खाते देखा है? सिर्फ इंसान ही है जो हर चीज को पकाकर खाता है, और यही सबसे बड़ी गलती है जिस कारण से हम लोग आज बीमार हैं। आयुर्वेद में तो ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि अगर कोई इंसान सिर्फ फलाहारी करता है तो वो कभी बीमार होता ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप सारा दिन फल नहीं खा सकते तो आप कम से कम 50% चीजें तो कच्ची खाएं। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप 50% चीजें भी पूरे दिन में कच्ची खाते हैं तो भी आप बहुत हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो फिर तो आपका बीमारियों से घिरना लाजमी है, और आज के समय में हम घिरते इसी कारण से हैं। अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। कच्चा प्याज कब खाना है? या तो आप इसे डिनर के समय में सैलेड के रूप में खाएं, या फिर आप इसे सुबह खाली पेट खाएं। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाना सबसे अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा प्याज अगर आप सुबह खाली पेट हर रोज खाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाने से दूर हो जाती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाना शुरू करें, लगातार 1 महीना ऐसा करें। साथ ही साथ कच्चे प्याज का रस निकालकर इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं, हफ्ते में 2 बार ऐसा करें। लगातार 1 महीना अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं और हफ्ते में 2 बार कच्चा प्याज का रस बालों पर लगाते हैं तो गारंटीड आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। फिर चाहे आप जितनी मर्जी टैबलेट्स ले लें, जितने मर्जी हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा लें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्याज है जो कि बालों का झड़ना रोकता है। ये मैं नहीं कहता, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में प्याज के कई फायदे बताए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कच्चे प्याज को लगातार 3 महीने सुबह खाली पेट खाते हैं तो डायबिटीज जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस तब होता है जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। आप देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम जरूर होगी। एसिडिटी ही एक तरह से पित्त है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड्स बनते हैं, ज्यादा आपका खून एसिडिक है, तो आपको डायबिटीज जरूर होगी। और जिनको डायबिटीज है उनको थायराइड भी होगा, क्योंकि यह हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां हैं। थायराइड भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना है। कैसे करें? पित्त को शांत करो। पित्त को शांत करने के लिए प्याज खाओ। प्याज खाने से आपका पित्त शांत होगा और डायबिटीज के साथ साथ ढेरों बीमारियां ठीक होगी। क्योंकि डायबिटीज बीमारी नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ आज की मेडिकल साइंस ने इतनी बीमारियों के नाम गिना दिए हैं। पुराने जमाने में भी बीमारियां थी, लेकिन पुराने जमाने में इनको बीमारियां नहीं कहा जाता था। इनको सिर्फ 3 दोष में ही डिवाइड किया गया था, वात, पित्त और कफ। अगर आपको डायबिटीज है तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस इंसान का पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त का इलाज करना है, ना कि डायबिटीज का। लेकिन आजकल हर एक बीमारी का अलग से इलाज होता है। इसी कारण से बीमारी का मेन कॉज जो कि पित्त है, वो तो ठीक नहीं हुआ, अब डायबिटीज कहां से ठीक होगी? इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज लाइलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इंसान के शरीर में रहने वाली कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है अगर उसे जड़ से ठीक किया जाए। तो इसी तरह से अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज खाने से आपका पित्त शांत होता है, साथ ही साथ प्याज खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और बिना दवाइयों के इंसान की डायबिटीज ठीक हो जाती है। लगातार 3 महीने कच्चा प्याज खाने से आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार करके तो देखिए, कच्चा प्याज खाली पेट खाने में बुराई ही क्या है। अगर आप खाते हैं तो आपकी कैंसर जैसी बीमारी तक ठीक हो जाएगी। आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलोन कैंसर, न जाने कितने तरह के कैंसर हैं। अलग से कैंसर हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में किसी को कैंसर हो? कोई भी नहीं चाहता। तो फिर कच्चे प्याज का सेवन करें क्योंकि कच्चा प्याज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह कच्चा प्याज हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है और कैंसर सेल्स को विकसित होने से रोक देता है जिससे इंसान कभी कैंसर का शिकार नहीं होता। इसके साथ साथ दोस्तों कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी में आयरन की कमी पूरी होती है, साथ ही साथ हम एनीमिया जैसे रोग से बच जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी कभी भी एनीमिया की रोगी ना हो, आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी ना हो, तो कच्चे प्याज का सेवन करें। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो, क्योंकि खून की कमी होने पर ढेरों बीमारियां होती हैं। खून की कमी तो एक बीमारियों की जड़ है। इसके बाद जो बीमारियां हैं वो कई तरह की हैं, जैसे कि खून की कमी होने पर आपकी बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते, हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है, हमारी किडनी की खून को साफ करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। तो इस तरह से ढेरों बीमारियां हैं जो सिर्फ आपके खून की कमी की वजह से हो सकती है। तो कभी भी बॉडी में खून की कमी ना होने दें। ये खून उसी तरह से हमारी बॉडी में काम करता है जिस तरह से किसी गाड़ी में पेट्रोल काम करता है। पेट्रोल ना होने पर गाड़ी रुक जाती है, इस तरह से खून की कमी होने पर हमारी जिंदगी की गाड़ी भी रुक सकती है। तो आप कभी भी शरीर में खून की कमी ना होने दें, इसके लिए आप कच्चे प्याज का सेवन करें। साथ ही साथ आप ऐसे चीजों का सेवन करें जिसमें आयरन ज्यादा है, जैसे कि पालक का सेवन, मेथी दाने का सेवन। इन दोनों चीजों को अगर आप डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आप कभी भी एनीमिया के रोगी नहीं होते। तो दोस्तों इस तरह से हम कच्चे प्याज के जरिए और कच्ची चीजों को खाने से ही जिंदगी में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा नियम है, ठंडा पानी मत पियो। कितनी सिंपल सी बात है, लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं भाई ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि ठंडा पीना है तो पानी भी नहीं कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। पियो कोल्ड ड्रिंक तो आपकी आंतें खराब होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, फिर अनेकों बीमारियां लगेंगी, फिर भगवान को कहेंगे हे भगवान आपने हमें बीमारियां क्यों दी, भगवान ने तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दिया। अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो बीमारियां लगेंगी ही। दोस्तों मैं फिर कहता हूं, जिंदगी हमारी है, पैसा हमारा है, चॉइस हमारी है। सही खाना चूज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, गलत खाएंगे तो बीमार रहेंगे। अपनी बॉडी के लिए समय निकालें, नहीं तो बीमारियों के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा और आप अच्छी चीजें खाएंगे। प्याज का सेवन जरूर करें ताकि बॉडी स्वस्थ रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।